हिस्टैरिसिस, वैसे हिस्टैरिसिस का टॉपिक जो है वो प्लस टू के अंदर भी करवाया जाता है, वो मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म के अंदर यूज़ होता है, पर यहाँ जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है इलास्टिक हिस्टैरिसिस। इलास्टिक हिस्टैरिसिस के अंदर, इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये किया गया, एक रबर बैंड को लिया गया, एक रबर बैंड को के नीचे लोड लटका दिया, भार लटका दिया, रबर बैंड जो है वो लंबा हो गया, एक्सटेंड हो गया। फिर लोड घटा दिया, रबर बैंड ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया। फिर लोड लगा दिया, फिर वो लंबा हो गया। फिर हटा दिया, फिर वो उतना ही हो गया। ऐसा करते गए करते गए करते गए करते गए। आपको ये क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक रबर बैंड की प्रॉपर्टी को स्टडी करने जा रहे हैं, जो बहुत काम की चीज़ है। हम क्या करने जा रहे हैं, हम जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम लोड लगाएंगे, यानी कि हम स्ट्रेस सप्लाई कर रहे हैं, और क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। हम स्ट्रेस हटाएंगे तो स्ट्रेन घटना स्टार्ट हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा। और जब मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया, जब मैंने लोड लगाया रबर बैंड के ऊपर, तो मैंने देखा कि रबर के ऊपर जब स्ट्रेस बढ़ रहा है और स्ट्रेन बढ़ रहा है, तो ग्राफ ऐसा गया, ए ओ ए बी पे गया। ठीक है, कोई ग्राफ आया एक्सपेरिमेंटली, हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और ग्राफ क्या आया, ओ ए बी आ गया। और अगर मैं ये पूछूं, अभी आप इसको मत देखें, सिर्फ ओ ए बी देखें, तो अगर मैं ये पूछूं कि इसके अंडर एरिया निकालो, वो एरिया आपको क्या देगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि हमने किया हुआ है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हमने किया हुआ है। अब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के अंदर, जब ये स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, जब मैं एरिया निकालूंगा वो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के इक्वल आएगा, तो यानी कि मुझे क्या पता लगेगा, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो मेरे पास जब मैं इसको स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था और स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग, तो ये जो एरिया है मुझे वर्क डन दे रहा था इन केस ऑफ लोडिंग। और जब मैं लोड हटा रहा था, घटा रहा था, तो ग्राफ, मैं सोच रहा था कि ग्राफ वैसे ही वापस चला जाएगा, नहीं गया, ग्राफ ऐसे गया, बी सी ओ में गया। तो जब हम लोड लगा रहे थे तो ग्राफ ऐसे गया, हटा रहे थे तो ऐसे गया, लगा रहे थे तो ऐसे गया, हटा रहे थे तो ऐसे गया, जब जब करते गए यही प्रोसेस होता गया। अब जब मैंने इसका एरिया निकाला बी सी ओ का, बी सी ओ, तो ये क्या देगा आपको, एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्योंकि रबर बैंड को खींचने में क्या करना पड़ा, वर्क डन, और छोड़ने में रबर बैंड ने क्या रिलीज की, एनर्जी। वो एनर्जी क्या कर रही है, एक तो रबर बैंड को कहाँ लेके जा रही है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जा रही है, और दूसरा क्या कर रही है, वापस लेके जा रही है, दूसरा एक और काम कर रही है, दिखाता हूं क्या। तभी तो ग्राफ नीचे से आया। तो जब तुमने ग्राफ प्लॉट किया और तुमसे ये पूछा कि भाई ये एरिया क्या है, ये पिंक कलर का शेडेड एरिया क्या है, ये हीट प्रोड्यूस थी, रबर बैंड गर्म हो जाएगी। जब तुम लोड लगाओगे, हटाओगे, लगाओगे, हटाओगे, तो वो वापस तो आएगी कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि जाते हुए एक्सपैंड करते हुए आपने ज़्यादा वर्क डन किया था, एरिया ज़्यादा है, और वापस आते हुए वर्क डन की वैल्यू, एनर्जी रिलीज कम है, तो मतलब वापस आने की एनर्जी कम है, लेकिन बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो हीट की फॉर्म में बाहर आ जाएगी। और जितना बड़ा एरिया होगा इस हिस्टैरिसिस का, इस प्रोसेस को हिस्टैरिसिस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक रबर बैंड को लोड अनलोड, लोड अनलोड, और ग्राफ प्लॉट करते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसिस का प्रोसेस है। और इस दौरान रबर बैंड को देखा गया, वो क्या हो गई, वो गर्म हो गई। तो जो चेंज ऑफ एनर्जी थी, चेंज ऑफ वर्क डन था, वो इस फॉर्म में आया, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर क्या करेंगे, कि द एरिया अंडर ओ ए बी रिप्रेजेंट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग अ वायर। और फिर इसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि लूप के अंदर जो एरिया है वो क्या दिखा रहे हैं, अंडरलाइन करो, हीट लॉस्ट। तो इसके अंदर अंडरलाइन करो कि जो एरिया लूप के अंदर एरिया है, ये जो पिंक कलर का शेडेड एरिया है, वो आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का क्या दे रहा है, अंडरलाइन करें इसमें, हीट लॉस ड्यूरिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो लोडिंग और अनलोडिंग, अनलोडिंग और अनलोडिंग के दौरान जो रबर बैंड गर्म हुआ, उसका हीट लॉस ये था। अब क्या किया गया, आप कहेंगे फिर फायदा क्या हुआ, मतलब क्या निकला क्या इससे, रबर बैंड तो मेरे से पूछ लेते, मैं खींच खींच के बता ही रहा था कि रबर बैंड तो गर्म हो ही जाएगा, इससे क्यों पूछ रहे हो। अब अगर तुम्हें टायर की कंपनी खोलनी है, तुम्हें टायर बनाने हैं, तो तुम्हें रबर चाहिए होगी, और मटेरियल रबर का तो 3600 किस्म के रबर के मटेरियल हैं, तुम कौन सा यूज़ करोगे टायर के लिए।
तुम उसका एक सैंपल लोगे, उसकी लोडिंग अनलोडिंग, लोडिंग अनलोडिंग करोगे, और जो और स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ प्लॉट करोगे, और जिसका ये एरिया कम आएगा हम वो रबर बैंड सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब गाड़ी चलेगी लोडिंग अनलोडिंग होगी टायर गर्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि टायर गर्म हो। तो मैं जहाँ पर लोडिंग अनलोडिंग का काम है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर रबर के ऊपर चीज़ों को दबाया जाता है, वहाँ पर भी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। मैं ये चाहूँगा कि मैं एक ऐसा रबर बैंड लूँ जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड कम हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग, और वो होगा जिसका एरिया इसमें सबसे कम होगा। तो इस प्रोसेस को हिस्टैरिसिस बोलते हैं, इलास्टिक हिस्टैरिसिस। और लिखा हुआ है पहली एप्लीकेशन में, कार टायर्स आर मेड विद सिंथेटिक रबर हैविंग स्मॉल एरिया ऑफ हिस्टैरिसिस लूप्स। ये लूप्स हैं, हिस्टैरिसिस लूप के एरिया क्या रखे जाते हैं, छोटे, वो रबर बैंड सेलेक्ट की जाती है, और ताकि आपका क्या हो जाए, इसमें हीट जो है वो कम लॉस हो। तो ये मोर देन सफिशियंट है एक एप्लीकेशन। अगर पेपर में आ जाता है कि इलास्टिक हिस्टैरिसिस या फिर ये जो हिस्टैरिसिस है इसको एक्सप्लेन करो, तो आप ग्राफ प्लॉट करना और अपने वर्ड में जो मैंने समझाया वो आप लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये एक टॉपिक हमारा पेंडिंग था जो अभी हमने किया।